हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। कल हमने सी सी प्लस प्लस में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ऊप्स के कंसेप्ट समझे थे और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट समझे थे। अब आज उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो कि सी और सी प्लस प्लस दोनों के लिए ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग का टॉपिक है, जो है फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन के बारे में थोड़ा आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब आपको एक डिटेल में इसका व्यू मिलेगा कि फंक्शन क्या होता है, किस तरह से प्रोग्राम में ऑपरेट होता है और किस तरह से फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। पहले हम फंक्शन क्या होता है उसको देखेंगे। फंक्शन में भी डिफाइंड एज ए यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट। ठीक है, एक प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसका एक यूनिट जो है वो फंक्शन कहलाता है। दिस यूनिट कैन बी इवोक्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। और फंक्शन को हम प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से इवोक कर सकते हैं या किसी भी पार्ट से यूज कर सकते हैं, किसी भी पार्ट से उसका इवोक होना पॉसिबल है। अ फंक्शन ग्रुप्स ए नंबर ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट। एक फंक्शन में बहुत सारे प्रोग्राम स्टेटमेंट जो हैं वो ग्रुप हो सकते हैं इनटू अ यूनिट। मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है, इट अ फंक्शन ग्रुप्स ए नंबर ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू यूनिट एंड गिव्स इट अ नेम। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन प्रोग्राम यूनिट के अंदर बहुत सारे जो प्रोग्राम यूनिट होते हैं उनको बाइंड कर उनको एक स्पेसिफिक नाम देता है और प्रोग्राम को छोटा करने में और कंपाइल करने में मदद करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये किसी भी प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल होता है और प्रोग्राम साइज को रिड्यूस करता है। इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये प्रोग्राम के साइज को रिड्यूस करता है। एनी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विच अपीयर्स इन अ प्रोग्राम मोर देन वंस इज अ कैंडिडेट विच कैन बी कॉल्ड एज अ फंक्शन। कोई भी ऐसा सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस, कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस जो कि प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार आता है उसको हम फंक्शन कह सकते हैं। फिर से समझना, कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोग्राम में रिपीट होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब किसी भी फंक्शन की तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक होता है फंक्शन का डिक्लेरेशन, दूसरा होता है फंक्शन की कॉलिंग और तीसरा होता है फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर, फंक्शन के अंदर होती हैं। सबसे पहला होता है फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होता है वो सबसे पहले कंपाइलर को ये बताता है। एक्चुअली द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन टेल्स द कंपाइलर दैट यूजर वांट्स टू प्रेजेंट द फंक्शन। ठीक है, मतलब ये वो कंपाइलर को ये बताता है कि जो डिक्लेरेशन दी जा रही है फंक्शन की उसी हिसाब से यूजर फंक्शन को प्रेजेंट करना चाहता है। ठीक है, क्या है ये डिटेल में जब हम प्रोग्राम देखेंगे तो अच्छे से हमको डिटेल में समझ में आएगा कि क्या मतलब है इस लाइन का। ठीक है, देन कॉलिंग फंक्शन की कैसे होती है। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन यूजर नीड्स टू कॉल द फंक्शन। ठीक है, ये तब रिक्वायर्ड होती है जबकि हमें फंक्शन को कॉल करना होता है। इट इंक्लूड्स फंक्शन नेम अलोंग विद द ब्रैकेट। इसमें फंक्शन का नाम ब्रैकेट के साथ दिया जाता है और सिंटेक्स जो है वो बहुत सिमिलर है। सिंटेक्स इज सिमिलर टू डिक्लेरेशन अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट रिटर्न टाइप इज नॉट यूज, है ना। तो ये जो डिक्लेयर किया जाता है फंक्शन, वो फंक्शन का नेम और ब्रैकेट्स दिए जाते हैं। अभी जब हम प्रोग्राम से इसे समझेंगे तो ये तीनों चीज हमको क्लियरली समझ में आएगी। फिर फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ अ लाइन कॉल्ड डिक्लेरेटर। ठीक है, फॉलोड बाय फंक्शन बॉडी। ठीक है, डिफाइन करते वक्त हम डिक्लेरेशन की डेफिनेशन का एक वर्ड देते हैं और उसके बाद फंक्शन की बॉडी देते हैं। फंक्शन बॉडी इज कंपोज ऑफ द स्टेटमेंट विच मेक्स अप द फंक्शन डिटरमाइंड बाय ब्रेसेस। और फंक्शन की बॉडी जो है उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं। फंक्शन की बॉडी ब्रेसेस से या ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और उसमें स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं और बॉडी ख़त्म भी ब्रेसेस से होती है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को ज़रा सा एक प्रोग्राम से समझेंगे। देखिए, पहले हमने ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाया जो कि हम सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में लगाते हैं। आपको पता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्यों लगाया जाता है, ताकि प्रोग्राम को हेडर फाइल से जोड़ा जा सके। हेडर फाइल आपको पता है सी प्लस प्लस में ये दो होती हैं, iostream.h और conio.h। और iostream.h में सी इन सी आउट का मतलब इंस्टॉल्ड होता है और conio.h जो रहती है उसके अंदर गेट सी एच और सी एल आर एस सी आर का मतलब लिखा होता है। ये सब चीज़ मैं आपको पहले बेसिक प्रोग्रामिंग में
में समझा चुकी हूँ, तो अभी हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। देन हमने एक फंक्शन बनाया फंक नाम का, void फंक। इसमें void टाइप का है ये, तो इसमें कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होगी, कोई भी वैल्यू हमें इसमें रिटर्न नहीं करानी होगी, क्योंकि ये void टाइप का फंक्शन है। तो ये जो सबसे पहला है ये फंक्शन का डिक्लेरेशन कहलाता है, ठीक है, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन कहलाता है। उसके बाद void main, यहाँ से ये मेन फंक्शन चालू हुआ, ठीक है। फिर हम clrscr लिखेंगे, हमें पता है clrscr इसलिए लिखा जाता है ताकि पुराना कोई भी अगर आउटपुट स्टोर्ड है प्रोग्राम का तो उसको हटाया जा सके। देन cout में हम दिस इज मेन लिखेंगे, है ना, मतलब हम cout क्या कराना चाहते हैं, दिस इज मेन चाहते हैं cout में। फिर ये func करके, ये देखिए ये कॉलिंग है फंक्शन की, इस तरह से हम कॉल कर रहे हैं। func लिख के ने आगे इसको दो ब्रैकेट्स दिए हैं, यहां हम func फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फिर cout स्लैश एन बैक इन मेन, ये स्लैश एन इसलिए लगाया जाता है ताकि लाइन जो है वो चेंज हो जाए, अगली लाइन में आउटपुट दिया जाए, ठीक है। अब अगली लाइन में आउटपुट आएगा, वहां क्या लिखा मिलेगा, बैक इन मेन। अब हम आते हैं फंक्शन की डेफिनेशन पर। एक बात आपको ध्यान रखने की, जब हम फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो जब हम कॉपी में प्रोग्राम लिखेंगे तो ये नीचे लास्ट में लिखी जाएगी, लेकिन यही प्रोग्राम जब हम सिस्टम पे बनाएंगे तो void main से पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन देंगे तभी कंपाइलर डेफिनेशन को रीड करके तभी वो फंक्शन को डिक्लेयर कर सकता है, कॉल कर सकता है। यदि डेफिनेशन नहीं होगी तो कंपाइलर कहाँ जाएगा। तो इसलिए कॉपी में लिखते समय ये जो डेफिनेशन है ये नीचे दी जाती है, और जब प्रोग्राम बनाया जाता है सिस्टम के ऊपर तो ये डेफिनेशन ऊपर दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ डेफिनेशन के अंदर void func नाम का एक फंक्शन बनाया है, मतलब जो हमने बनाया था उसकी डेफिनेशन में हमने ये दिया कि cout हमें क्या कराना है, cout कराना है दिस इज फंक्शन, ये हमें cout में चाहिए। उसके बाद इस तरह के प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, देखिए इस तरीके के प्रोग्राम का आउटपुट सबसे पहले वो दे देगा दिस इज मेन, जो हमने सबसे पहले दिया था यहाँ पे दिस इज मेन। उसके बाद दूसरा वो दे देगा दिस इज फंक्शन, और लास्ट में वो देगा बैक इन मेन, ठीक है। ये तीनों चीज़ जो है ये वो एक एक कर कर देगा, है ना। ये एक साधारण, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एडिशन के प्रोग्राम से भी इसे समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये एक एडिशन का प्रोग्राम है जहाँ सबसे पहले हेडर फाइल डालने के बाद ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है। ये देखिए ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है, यहाँ void add ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया गया है, और ब्रैकेट में इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया गया है, यानी कि इस ऐड फंक्शन में इंटीजर टाइप का हम डेटा टाइप लेंगे। देन void main दिया हमने, clrscr लिखेंगे पुराने कुछ भी जो है मेमोरी में उसको इरेज करने के लिए। फिर ये दो वेरिएबल ए और बी लिए हैं, जिसमें ए की वैल्यू 20 ली है और बी की वैल्यू 30 ली है। फिर हम ऐड ए बी से क्या कर रहे हैं, फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा कंपाइलर कहाँ जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पर, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेफिनेशन जो है फंक्शन की वो कहाँ दी जाती है, void main के ऊपर। जब हम प्रोग्राम बनाएं तो void main के ऊपर, और जब हम कॉपी में लिखें तो प्रोग्राम के लास्ट में, क्योंकि जब तक कंपाइलर को डेफिनेशन नहीं मिलेगी तब तक वो प्रोग्राम में कॉल किए जाने पे फंक्शन को, मतलब वो कहां जाएगा, कहां से कैसे कॉल कर पाएगा फंक्शन को, ठीक है। तो यहां पर ये इन्होंने इसमें क्या हुआ है कि एक ऐड नाम का हमने फंक्शन बना के उसका डेटा टाइप कैसे लिया है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। फिर इंटीजर में हमने दो वेरिएबल्स लिए ए और बी, उसमें वैल्यू दे दी 20 और 30। फिर ऐड फंक्शन को यहाँ कॉल किया ऐड ए और बी से, तो वो कहाँ चला गया, ऑटोमेटिकली इसकी बॉडी पर, ठीक है। फिर void add int x y, अब ये क्या किया हमने कि जो a और b हमने ऊपर वेरिएबल बनाए थे उसकी वैल्यूज ये x और y में कैच हो जाएंगी, ठीक है। x और y में a और b की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैच हो रही है। और हमने एक और वेरिएबल यहाँ डेफिनेशन में ही बना दिया था z, तो z इज इक्वल टू एक्स वाई कर दिया था। अब यहाँ x और y में क्या होगा, a और b जो ऊपर हमने वैल्यू स्पेसिफाई करी है ना, वो फंक्शन की वैल्यूज इसके अंदर कैच हो जाएंगी, x और y में a और b की वैल्यू कैच हो जाएंगी। क्योंकि बता फंक्शन को डिफाइन करते समय मैंने बताया था कि फंक्शन में क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर सिक्वेंशली यूज करे जाने वाले स्टेप्स को एक यूनिट में फंक्शन बाइंड करता है। तो क्या होगा कि ऊपर जो हमने और भी इंटीजर टाइप की वैल्यू दी थी उसको जो डिफाइन हमने किया है वो x और y इंटीजर्स लिए हैं,
और जेड नाम का एक इंटीजर बनाया है जिसके अंदर एक्स और वाई को ऐड किया है। तो ये जो ए और बी की ऊपर वैल्यू दी है ना, ये एक्स और वाई के अंदर कैच हो जाएगी। और जेड नाम के वेरिएबल के अंत का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, एक्स और वाई को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो जेड नाम का वेरिएबल होगा। और इसी तरह से सी आउट फिर हम लिख देंगे लास्ट में, सी आउट समिस, तो वो हमें जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ए और बी को ऐड करके उसका सम दे देंगे। ठीक है, यानी फंक्शन क्या है बेसिकली, इसको अगर हम अच्छे से समझे तो फंक्शन एक यूनिट है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स का एक कलेक्शन है जो कि प्रोग्राम का साइज रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य प्रोग्राम का साइज रिड्यूस करना और सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस को डिस्प्ले करने का होता है, जो कि फंक्शन, जो कि ओवरऑल फंक्शन कहलाती है। फंक्शन के लिए तीन फेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन की कॉलिंग और फंक्शन का डेफिनेशन। फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो जब हम कॉपी में प्रोग्राम लिखते हैं तो नीचे लिखी जाती है, लेकिन जब ये प्रोग्राम हम सिस्टम में बनाएंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन हेडर फाइल के बाद वॉइड मेन के ऊपर लिखी जाएगी। हाँ, यहाँ मैंने एक चीज और मिस कर दी, जैसे आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया है और ये वॉइड मेन के ऊपर बनाया है। ये जो है ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है फंक्शन का, यहां मैंने फंक्शन को ग्लोबली डिक्लेयर किया है। मैंने आपको ग्लोबल डिक्लेरेशन वेरिएबल डिक्लेरेशन में पढ़ाया है कि जब वेरिएबल को हम वॉइड मेन के ऊपर या बॉडी, प्रोग्राम की बॉडी के ऊपर डिक्लेयर करते हैं तो वो ग्लोबल डिक्लेरेशन कहलाता है, और जब हम किसी वेरिएबल को प्रोग्राम की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल डिक्लेरेशन कहलाता है। जो ग्लोबल डिक्लेरेशन अगर हम किसी वेरिएबल या फंक्शन का करें तो वो फंक्शन या वेरिएबल कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, प्रोग्राम की बॉडी के अंदर से या बाहर से। लेकिन अगर हम लोकल डिक्लेरेशन करते हैं तो वो फंक्शन या वेरिएबल केवल प्रोग्राम की बॉडी के अंदर से एक्सेस हो सकता है। ठीक है ना, तो अब ये देखिए, यहाँ पे क्या हमने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, उसमें दो टाइप की वैल्यूज डाटा टाइप लिए, इंटीजर टाइप के, ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। ओके, ये हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन किया। इसके बाद हमने वॉइड मेन लिखा, CLRSCR जो कि पुराने आउटपुट को हटाने के लिए लिखा जाता है वो लिखा। देन ये CLRSCR के बाद प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होगी, है ना, ये ब्रैकेट देख के कंफ्यूज मत होना, हमेशा CLRSCR के बाद प्रोग्राम की जो वॉइड मेन के बाद प्रोग्राम की यहां से बॉडी स्टार्ट होगी, ये ब्रैकेट वॉइड मेन के बाद लगेगा, है ना। देन CLRSCR लिखने के बाद हम int a b किए, दो वैल्यूज हमने ली, a और b दो वेरिएबल लिए, a की वैल्यू दे दी, b की वैल्यू दे दी। देन हमने किया ऐड फंक्शन को कॉल, ठीक है, ऐड फंक्शन को कॉल किया। जब हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा कंपाइलर कहाँ जाएगा, फंक्शन की बॉडी के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर, और ये डेफिनेशन प्रोग्राम लिखते समय हमें कहाँ लिखनी है, वॉइड मेन के ऊपर, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट करने से, वॉइड मेन देने से ऊपर लिखनी है। तो डेफिनेशन जब हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है कि ऐड नाम का जो वेरिएबल है उसमें इंट एक्स और इंट वाई, दो हमने वेरिएबल्स यूज करे हैं एक्स और वाई। तो ये जो ए और बी की वैल्यू हम दे रहे हैं, ये ए और बी की वैल्यू रिस्पेक्टिवली एक्स और वाई में क्या हो जाएगी, कैच हो जाएगी। देन इसके बाद हमने एक z टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसका वैल्यू क्या रहेगी, z को हमने दिया है इक्वल टू x प्लस y। तो x और y यानी जो a और b की वैल्यू है वो ऐड होके z में आ जाएगी। और सी आउट, जैसा कि हम जानते हैं सी आउट क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट है C++ का, तो सम सी आउट हो जाएगा z के रूप में। ठीक है, इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो हमें 50 एस आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये बेसिक फंक्शन आज मैंने बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं फंक्शन ओवरलोडिंग बताऊंगी। कहीं भी यदि आपको डाउट है या किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना, ये बिल्कुल एक बेसिक प्रोग्राम से आपको समझाया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।